नमस्कार, नई परत के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिसे हम देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत करेंगे। बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे यह कहूंगा कि अगर आप नई परत पर प्रोफेसर दुबे के साथ इस राजनीतिक बातचीत को हर रोज सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा कार्यक्रम आप तक ज्यादा आसानी से पहुंच सके। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में पहला सवाल मैं जो CSDS की जो एक रिपोर्ट आई, लोकनीति संस्था जो CSDS के अंतर्गत है, उसने मीडिया के बारे में एक रिपोर्ट जारी की कुछ दिनों पहले, जिसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आम तौर पर लोग जानते हैं, पर चूंकि वो एक सर्वेक्षण और एक अध्ययन के माध्यम से सामने आया है तो ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। एक बड़ी बात यह है कि उसमें कहा गया है कि 82% से ज्यादा पत्रकारों ने यह कहा कि उनका जो मीडिया संस्थान है वो भाजपा या जो सरकार है उसके समर्थन में काम करता है। तो इस रिपोर्ट के नतीजों को आप कैसे देखते हैं कमल? सबसे पहले तो मैं लोकनीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, जिसको हम लोग हिंदी में विकासशील समाज अध्ययन पीठ कहते हैं, की का जो रिसर्च कार्यक्रम है लोकनीति, मैं उसकी सराहना करूंगा कि उसने इतनी बेहतरीन रिपोर्ट हम लोगों के सामने पेश की। इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि इसमें जो लोग व्यवहारिक रूप से पत्रकारिता के साथ जुड़े हुए हैं, यानी जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, उन लोगों की राय इसमें ली गई है। और देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के पत्रकारों से इसमें बातचीत की गई है, और वो पत्रकार न केवल दिल्ली में काम कर रहे हैं बल्कि वो तमाम देश की दूसरे राज्यों की राजधानियों में और दूसरे जगहों पर भी, दूसरे मुकामों पर भी वो सक्रिय हैं। इसका मतलब यह है कि पत्रकारों के एक बहुत बड़े हिस्से की नुमाइंदगी करता है लोकनीति का ये सैंपल। उस लिहाज से ये रिपोर्ट और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस रिपोर्ट के पहले हिस्से में तो ये बताया गया है कि किस तरह पत्रकारों को वर्क प्लेस पर, अपनी कार्यस्थल पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या हैं, उनके निजी जीवन की समस्याओं से उनकी जो कार्य संस्कृति है और जो काम का माहौल है वो किस तरीके से टकराता है, या इसके बाद फिर तमाम सारी उनसे राजनीतिक बातचीत वगैरह की गई है। और उस बातचीत में ऐसी बहुत सी बातें तथ्यात्मक रूप से हम लोगों के सामने आई हैं जिसके बारे में पहले हम लोग अंदाज के स्वर में बातचीत किया करते थे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 80% से ज्यादा पत्रकार ये कहते हैं कि उनके जो मीडिया मालिक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, और 16-17% पत्रकारों को तो ये मानना है कि वो, उन्हें हमेशा डर सताता रहता है कि उनके राजनीतिक रुझानों के कारण कहीं उन्हें नौकरी ना गंवानी पड़ जाए। जहां तक जो न्यूज कवरेज का सवाल है, यानी खबरें देने की गुणवत्ता में सुधार हुआ है या उसमें गिरावट आई है, उसमें तो 76% से ज्यादा पत्रकार मानते हैं कि न्यूज कवरेज की क्वालिटी में बहुत गिरावट आई है। तो ये जो, और फिर पत्रकारों से मोटे तौर पर बातचीत करने से लगता है कि मीडिया की दशा और दिशा के बारे में वो लोग काफी हताश हैं, उनमें बहुत अनमनापन है। और उसमें से करीब 46-47% पत्रकार ऐसे हैं कि अगर उन्हें कोई वैकल्पिक नौकरी प्राप्त हो तो वो मीडिया से अपना पिंड छुड़ा लें। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति बताती है कि भारतीय पत्रकारिता में आदर्श, समर्पण, प्रतिभा और संघर्ष की क्षमता, ये सब जो पत्रकारों की या पत्रकारिता का जो खास गुण हुआ करती है, उसका लगातार अभाव हो चुका है। और ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो चौथे स्तंभ की जो हालत है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोकतंत्र के बाकी 3 स्तंभ हैं उनकी क्या स्थिति होगी। और मैं समझता हूं, अभी आप सवाल भी इस बारे में पूछेंगे, मैं उनका भी, उन जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश भी करूंगा, मैं समझता हूं कि इसका संबंध बहुत ज्यादातर जो मीडिया के स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है 1990 के बाद में, उसके साथ है। मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप अकादमिक जगत में भी आप एक स्थापित नाम तो हैं ही, लेकिन उसके पहले आपने लंबी पत्रकारिता भी की है। तो अगर पीछे के दौर से लेकर अभी के दौर में हम तुलना करें तो कौन से ऐसे व्यापक परिवर्तन है जो आपको लगता है कि जिन्होंने पत्रकारिता को रसातल में पहुंचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखिए, 80 के दशक में मैंने दिल्ली में पत्रकारिता शुरू की, 80 के दशक में,
और उस वक्त हालत ये थी कि एक तरह की पूरा भारत एक न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन के दौर से गुजर रहा था, यानी जो पाठकों की संख्या थी बढ़ रही थी लगातार, और चूंकि पाठकों की संख्या बढ़ रही थी तो उससे पाठक तो ज्यादा पाठक तो भारतीय भाषाओं के संसार से ही मिलने वाले थे, अंग्रेजी के संसार से तो इतने पाठक मिलने वाले थे नहीं, तो भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता में और खासतौर से हिंदी पत्रकारिता में 80 के दशक के उन शुरुआती सालों में बहुत जबरदस्त उछाल आया। 1983 में जनसत्ता का प्रकाशन इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में प्रभाष जोशी के सहयोग के संपादन में जनसत्ता सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करने लगा। यहाँ तक कि जनसत्ता का सर्कुलेशन उन दिनों जब पंजाब के अंदर आतंकवाद चल रहा था और उस प्रभाष जी जिस तरह पहले पन्ने पे उसके ऊपर लेख लिखते थे और जिस तरह की खबरें हम लोग छापते थे वहां पर, तो उससे बहुत इतना उछाल आया कि जनसत्ता की प्रसार संख्या 2.5 लाख पार कर गई, 2.5 लाख पार कर गई, और दूसरे अखबारों को भी बहुत उस जो न्यूज़पेपर जो समाचार पत्र क्रांति हुई उसका लाभ हुआ, और तमाम क्षेत्रीय मुकामों के ऊपर भोपाल में, जयपुर में, लखनऊ में, इन तमाम जगहों पर हिंदी पत्रकारिता में बहुत बड़ा उछाल आया। आप भास्कर अखबार को देखिए, 1958 में भास्कर अखबार का एक संस्करण केवल निकलता था, आज स्थिति क्या है कि आज स्थिति यह है कि 14 देश के 14 राज्यों में उसके अनगिनत संस्करण निकलते हैं, उसके बाद वो दूसरे भाषाई क्षेत्रों में यानी मराठी और गुजराती में भी उसका भास्कर निकलता है, यहां तक कि डीएनए नामक अखबार के अंदर अंग्रेजी के अखबार में भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और वो आहा जिंदगी ऐसी पत्रिकाएं भी निकालता है। तो आज भास्कर देश का सबसे बड़ा अखबार है। जागरण, दैनिक जागरण और भास्कर के बीच में एक प्रतियोगिता होती रहती है नेशनल लीडरशिप सर्वे में कि कौन पहले नंबर का अखबार है, कौन दूसरे नंबर का अखबार है। तो ये बात बताती है कि पत्रकारिता का कितना बड़ा विकास हुआ है। उसके बाद 90 के दशक के बाद धीरे धीरे टीवी चैनल आने शुरू हुए। तो मैं ये कहूंगा कि 90 के दशक की बिल्कुल शुरुआत में एक ऐसी घटना हुई जिसको मैं मंडल, कमंडल और भूमंडल कहता हूं। इन शब्दों से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि वही वो समय है जबकि देश में राम जन्मभूमि आंदोलन चला, जिसको आप कमंडलीकरण कह सकते हैं। मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी उनको स्वीकार किया गया, यानी पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की, उसको आप मंडलीकरण कह सकते हैं, और भूमंडल यानी अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो इन तीनों प्रक्रियाओं ने भारतीय राजनीति को, चुनावी होड़ को, वोटरों की गोलबंदी को स्थायी रूप से बदल दिया। इसी के साथ साथ मीडिया के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। यही वो समय था जबकि मीडिया का स्वामित्व तेजी के साथ बदलना शुरू हुआ। जो कारपोरेट शक्तियां थी वो पहले भी मीडिया में थी, जैसे साहू जैन का घराना जो था वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का स्वामित्व उसके पास था, रामनाथ गोयनका का घराना इंडियन एक्सप्रेस का स्वामित्व रखता था, जो टाटा थे उनका स्टेट्समैन की बागडोर टाटा समूह के हाथ में थी, जो बिड़ला समूह था, के बिड़ला समूह था, उसके हाथ में हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप की बागडोर थी, और फिर भास्कर, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, नई दुनिया, ये तमाम अखबार धीरे धीरे करके सामने आ रहे थे और अब क्षेत्रीय से राष्ट्रीय होने की तरफ जा रहे थे। इसी जमाने में 90 के दशक के मध्य में दूसरी कारपोरेट शक्तियों ने भी सोचना शुरू किया कि वो पत्रकारिता की दुनिया में हस्तक्षेप करेंगे। उस वक्त तक पत्रकारिता धीरे धीरे टीवी पत्रकारिता में भी बदलती जा रही थी, पूरी तरह टीवी पत्रकारिता जो प्रिंट जर्नलिज्म था उसके ऊपर हावी नहीं हुई थी। फिर जैसे ही नई सदी आई, नई सदी में टीवी पत्रकारिता का भी बोलबाला होने लगा, और फिर धीरे धीरे कर दूसरी कारपोरेट शक्तियां, जो नई उभरती हुई कारपोरेट शक्तियां थी, जिनमें मुकेश अंबानी का नाम आप कह सकते हैं, अभय ओसवाल का नाम कह सकते हैं, और फिर गौतम भाई अदाणी का नाम कह सकते हैं, इन लोगों ने भी समाचार पत्रों के और मीडिया के संसार में आना शुरू किया। ये लोग जब मीडिया में आए तो इन्होंने संपादक नाम का जो जीव था, जो दरअसल इसके पास बड़ी स्वायत्तता हुआ करती थी, मालिक उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करता था, और जो अपने मन के हिसाब से अखबार निकालता था, उसको वो धीरे धीरे करके राजनीतिक शक्तियों और अपने कारपोरेट पूंजी वाले मालिक के बीच में
एक तरह की बिचौलिया की भूमिका निभाने लगा, संपादक बिचौलिया हो गया और वो मालिक को दूसरे तरह के पत्रकारिता के अलावा दूसरे तरह के लाभ पहुंचाने का जरिया बन गया। जैसे ही संपादक बिचौली हुआ, थोड़े दिनों बाद मालिकों ने सोचा, जब संपादक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और मंत्रियों के साथ में संपर्क में रह सकता है तो मैं क्यों नहीं रह सकता संपर्क में, तो मालिकों ने खुद ही को संपादक बनाना शुरू कर दिया। यानी जो वास्तव में अखबार निकालने वाले संपादक थे वो प्रबंध संपादक या स्थानीय संपादक बना दिए गए और प्रधान संपादक का पद स्वयं मालिक ने प्राप्त कर लिया। पहले ये हिंदी पत्रकारिता में हुआ, फिर धीरे धीरे अंग्रेजी पत्रकारिता में भी ये होने लगा। चूंकि सारे अखबार भूमंडलीकरण के प्रभाव में एक ब्रांड बनाने की तरफ अग्रसर थे, इसलिए फिर जो अखबारों के मैनेजर हुआ करते थे, यानी विज्ञापन मैनेजर है या प्रसार प्रबंधक है, सर्कुलेशन मैनेजर है, वो संपादक के ऊपर हावी होने लगा और इस तरह धीरे धीरे पत्रकारिता में संपादक की हैसियत निचले पायदान पर चली गई। बाद में बहुत दिनों तक भारत टाइम जैसा तो एक ऐसा अखबार है बिना संपादक के ही निकलता रहा, उसमें संपादक का नाम ही नहीं जाता था, उस संपादक के नाम की कोई जरूरत नहीं होती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक ने कहा एडिटर्स आर वॉल हैंगिंग्स। तो इस तरह की बात। तो पत्रकार 90 के दशक के बाद में अगले 20 साल तक जो मीडिया की दुनिया थी वो बदलती रही। जैसे ही नई सदी के दूसरे दशक में मीडिया पहुंचा, वैसे ही एक बड़ी विकट और चकित कर देने वाली घटना घटित हुई। बहुत दिनों से घटित होने की तैयारी में थी, केवल उसका प्रकाश में आना शेष था। 2010 के दिसंबर में विनोद मेहता ने, जो कि आउटलुक पत्रिका के यशस्वी संपादक थे, बड़े मशहूर संपादक थे, बड़े अच्छे पत्रकार थे, उन्होंने आउटलुक की वेबसाइट पर नीरा राडिया टेप्स उन्होंने डाले। ये आठ बातचीत के 8,000 टुकड़े थे इस टेप में। ये 2007 और 8 और 9 के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नीरा राडिया की दूसरे लोगों से बातचीत जो हुई थी उस बातचीत को टेप किया था। नीरा राडिया कौन थी? नीरा राडिया एक उद्यमी थी और साथ में कारपोरेट लॉबीज थी, कारपोरेट बिचौली काम करती थी। तो उन टेप में देश के बड़े बड़े पत्रकार, देश के बड़े बड़े पूंजीपति, उन पूंजीपतियों के तमाम प्रबंधक और बड़े बड़े नेता, जिनमें के उस जमाने के संचार मंत्री ए राजा भी थे, केंद्रीय संचार मंत्री भी थे, और पत्रकारों में वीर सिंघवी, बरखा दत्त और प्रभु चावला ऐसे लोग थे, इन लोगों के बीच की बातचीत है वो। यानी दो तीन साल के दौरान 8,000 बातचीत के टुकड़े उन टेपों में दर्ज हैं। और उन टेपों को सुनने के बाद में विरोध नेता ने लिखा कि अगर आप सरसरी तौर पे भी इन टेपों को सुनेंगे तो आपको लगेगा पूरा हिंदुस्तान बिकने के लिए खड़ा हुआ है, द एंटायर इंडिया इज फॉर सेल। ये विरोध मेहता की टिप्पणी थी। यानी उन टेपों में साफ था कौन किसको कहां फिक्स कर रहा है, किसको खरीदा जा सकता है, किसको दुरुस्त किया जा सकता है, किसको सब लोग तैयार है बिकने के लिए सर। तो ये इन टेपों को सुनने के बाद में राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू दिया इकोनॉमिक टाइम्स को, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि हम तो समझते थे कि सरकार हम चला रहे हैं, लेकिन सरकार तो कोई और ही चला रहा है। तो ये इस तरह की स्थिति हो गई। यानी मीडिया की कितनी बुरी हालत है, मीडिया किस तरीके से जो कारपोरेट शक्तियां, राजनीतिक शक्तियां और मीडिया के बीच में एक दुर्भी संधि हो रही है, एक नेक्सस है पूरा का पूरा। और ये नेक्सस बताता है कि दरअसल लोगों के पास जो खबर पहुंच रही है वो खबर अगर सही है तो अपने आप में एक ताज्जुब की बात है। तो मीडिया इस स्थिति में पहुंच गया। और आप देखिए कि 2010 में जो नीरा राडिया टेप आए, सीबीआई ने उनकी जांच की तो सीबीआई ने कहा कि भाई इसमें तो कोई क्रिमिनलिटी है नहीं, इसमें कोई अपराध का काम तो हुआ नहीं है। रतन टाटा ने, जो खुद नीरा राडिया टेपों में सुने जाते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। उन्होंने कहा ये तो हमारी निजता का उल्लंघन है अगर इन टेपों को सार्वजनिक रूप से किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली। धीरे धीरे करके नीरा राडिया इनकम टैक्स को नीरा राडिया पर क्या शक था, उन्होंने क्यों टेप किया? 9 साल में नीरा राडिया पे आरोप था, उन्होंने 300 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है, तो उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग बहुत भारी शक था, इसलिए इनकम टैक्स उनकी बातचीत को टेप कर रहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस्म के लोग, किस किस्म की पूंजी, किस किस्म के पत्रकार और किस किस्म के नेता, इन लोगों के हाथ में इस देश की बागडोर
उस 2010 में नीरा रडिया टेप से समझ में आती है, क्या परिस्थिति उसके बाद से बदल गई है? मेरा मानना यह है कि यह मानना एक मुगालता होगा कि परिस्थिति उसके बाद से बदल गई है, क्योंकि परिस्थिति बदलने के लिए तो कोई कोशिश ही नहीं की गई। जो लोग उन टेपों में पाए गए उनका कुछ नहीं हुआ, पूंजीपति अभी भी बड़े पूंजीपति बने हुए हैं, सारे पत्रकार अभी भी भव्य प्रतिष्ठा के साथ में अखबारों में लिख रहे हैं, टीवी में बोल रहे हैं, वो सब कर रहे हैं उसके अंदर। फिर धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि जो टीवी चैनल थे उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं स्पष्ट होनी शुरू हो गई, फिर सरकारी फिर राजनीतिक दलों ने बहुत बड़े पैमाने पर पत्रकारिता में पैसा लगाना शुरू किया। आज स्थिति यह है कि कई टीवी चैनलों में राजनीतिक दलों का पैसा लगा हुआ है, नेताओं का पैसा लगा हुआ है, और ये सब चीजें नेट पर उपलब्ध हैं, ये कोई छुपाई छुपी हुई बात नहीं है, इनकी सबके अध्ययन हो चुके हैं, पूरे विस्तार से सूचियां उपलब्ध हैं कि किस कौन सा चैनल कौन सा नेता चलाता है, कौन से चैनल में किस पार्टी की पूरी लगी हुई है। और जो क्षेत्रीय स्तर पर, तो ऐसे पंजाब में जो बादल परिवार है वो बहुत बड़ा मीडिया मालिक भी है, जगनमोहन रेड्डी बहुत बड़े मीडिया मालिक हैं, हेमंत विश्व शर्मा बहुत बड़े मीडिया मालिक हैं, सारे लोग बड़े जितने पत्रकार हैं, जो कलानिधि महाराज है मीडिया मालिक हैं, जयललिता एक बहुत बड़ी मीडिया मालिक भी हैं, यानी ये हम लोगों को मालूम नहीं है। अब आप देखिए जो पत्रकार इनके अखबारों में काम करने के लिए जाएगा उसके सामने जो पहले दिन से स्पष्ट होगा उसको किसकी सेवा करनी है, उसके लिए फिर अभ्यक्ति स्वतंत्रता और निष्पक्षता और निष्ठा और ईमानदारी चीजों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो ये चीज, ये पूरी परिस्थिति बताती है कि हम लोगों का जो मीडिया जगत है इसको अंग्रेजी में कहते हैं पूरी तरीके से कंप्रोमाइज है, उसके पास ना निष्ठा है ना ईमानदारी है और ना ही वो अपने पाठकों की सच्चाई और ईमानदारी के साथ में कोई सेवा कर रहा है। एक आखिरी सवाल आज की बातचीत में मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो ये कई बार ये कहा जाता है कि जो न्यूज रूम है या जो पत्रकार है एक समाचार एजेंसी के भीतर, चाहे वो आज तक हो या फिर कोई प्रिंट मीडिया का अखबार हो, तो वहाँ पर उच्च जातियों की बहुलता है, उसके कारण से कुछ खास तरीके के जो मसले होते हैं वो सामने नहीं आ पाते हैं या थोड़े कम उत्साह के साथ आते हैं, उसके प्रति उदासीनता बढ़ती जाती है, आपको क्या लगता है? और ये अध्ययन में भी सामने ऐसा, अनिल चमड़िया ने एक ऐसा अध्ययन भी किया था। नहीं, अनिल चमड़िया, योगेंद्र यादव वगैरह ने ये अध्ययन किया था, उस अध्ययन के बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता है, और ये एक हकीकत है कि जो दलित समाज की समस्याएं हैं, स्त्रियों की जो समस्याएं हैं, मुसलमानों की जो समस्याएं हैं और दूसरे जो कमजोर तबके हैं उनकी समस्याएं हैं, वो उनकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं होती, उनको पर्याप्त जगह नहीं मिलती। अब सवाल यह है कि ये क्या इस वजह से है कि मीडिया में केवल कुछ द्विज जातियों के लोग खासतौर से ब्राह्मण ही संख्यात्मक दृष्टि से अधिक हैं? ये यहाँ पे सोचने वाली बात है, ये भी एक कारण हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि मीडिया जो डोमिनेंट कंसेंसस है, यानी जो एक प्रभुत्वशाली आम सहमति है, मीडिया में उस सहमति का समर्थन करने की बहुत ही जबरदस्त प्रवृत्ति है। आप सोचिए अगर कोई मीडिया मालिक अपने संपादक को ये आदेश दे और अपने पत्रकारों से ये कहे कि आप दलित समस्याओं को प्रमुखता दीजिए, तो भले ही वो पत्रकार ज्यादातर उसमें 100 में 90 पत्रकार ब्राह्मण हो, क्या वो दलित समस्याओं को प्रमुखता नहीं देंगे? अगर नौकरी बचानी तो प्रमुखता देनी पड़ेगी। अगर वो कहे नहीं, स्त्रियों की जो दमन अत्याचार हो रहा है इस समस्या को जमकर उठाओ, तो वो उठाएंगे। अगर वो कहेंगे नहीं, आदिवासी प्रश्न को सामने लाओ, किसानों के सवाल को सामने लाओ, मजदूरों के सवाल को सामने लाओ, तो क्या वो उठाने से इनकार कर देंगे? नहीं कर सकते इनकार, मन में रंज होते हुए भी वो शायद ना उठाने से इनकार कर पाए। तो असली बात केवल ये नहीं है कि वहां पर ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है या बनियों की संख्या ज्यादा है या राजपूतों की संख्या ज्यादा या कास्टों की संख्या ज्यादा है, ये असली बात नहीं है, ये एक फैक्टर है, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन प्रमुख बात ये है कि जो मीडिया मालिक है वो ये चाहता है कि जो डोमिनेंट कंसेंसस है अर्थव्यवस्था के सवाल के ऊपर, जिसको आप कोट अनकोट विकास कहते हैं, तो उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए, उससे संबंधित नीतियों को जो है वो आगे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, उससे संबंधित खबरों को प्रमुखता दी जानी चाहिए। तो ये है असली बात, मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोगों को इस तरह समझना चाहिए। तो
तो इस मुद्दे पर हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। कई तरह के मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब वगैरह पर भी हम काफी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज की बातचीत को हम यही विराम देते हैं। और एक बार फिर से मैं आपसे कहूंगा कि आप नई परख को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये जो हमारी रोज की बातचीत होती है उसे आप नियमित रूप से सुने, ताकि देश और देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में आप एक सही अंतर्दृष्टि का विकास कर पाए। अभय सर, आज की बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।